अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, रेवेन्यू यूनिट। राजस्थान स्टेट पर अपना होता है रेवेन्यू बोर्ड, जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है रेवेन्यू मैटर्स के अंदर में। यहाँ पे बैठता है चीफ सेक्रेटरी। रेवेन्यू बोर्ड अपना अजमेर के अंदर है, चेयरमैन इसका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और अब ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिसर। फिर आता है डिवीज़न। डिवीज़न सात होते हैं, इसके अंदर डिविजनल कमिश्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 33 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सब डिवीज़न लेवल पे SDO होता है, और तहसील लेवल पे तहसीलदार होता है, और सब तहसील लेवल पे नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। और अपने फिर RI होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। पटवारी लेवल पे पटवारी होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर। इसके अंदर क्या होता है, डिविजनल कमिश्नर होता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ADM होता है, जो कि बैठता है यहाँ पे। ADM बैठता है, फिर उसके नीचे SDO बैठता है, फिर उसके नीचे TDR बनता है, फिर नायब तहसीलदार बैठता है, और फिर अपने रेवेन्यू रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनता है, और उसके नीचे पटवारी बैठता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके नीचे बैठते हैं ये कौन से, अपने SP, ASP, DYSP, CI, SI, ASI, फिर हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल, ठीक है। जो ये होता है IPS ऑफिसर होता है, SP जो होता है, ASP और DYSP, RPS ऑफिसर होते हैं। ये CI SI से प्रमोटिव होता है, ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एक एक होते हैं अपने DLO, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। फिर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होता है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है DEO, ठीक है, DEO होता है। और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर। फिर CMHO होता है, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, एक SP होता है, SP होता है इसके अंदर, ठीक है। इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट देर इज ओनली वन ADM होता है, एक ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और बिलो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे। और डिविजनल हेडक्वार्टर देर आर मैनी, जैसे कि जयपुर के अंदर 9 ADM है, एक ही DM, और ऑल ADMs हैव डिफरेंट चार्जेस, और सारे DM के पास में डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि रेवेन्यू, इलेक्ट्रिफिकेशन और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 tier सिस्टम होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, और 243 और 243O के अंदर, आर्टिकल के अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है सबसे ऊपर CEO, फिर आता है ACEO, फिर एट जिला परिषद, जिला परिषद लेवल पे। फिर आता है BDO, और फिर होता है एडिशनल DO, डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी अंडर द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स के अंदर, ये आइडेंटिफिकेशन करता है बेनिफिशरीज का, स्टेट और सेंट्रल स्कीम्स का। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज करता है 40 to 50 डिपार्टमेंट्स को, और ही इज चेयरमैन ऑफ 60 कमिटीज का चेयरमैन होता है। सिलेबस, सिलेबस के अंदर अपने डिविजनल कमिश्नर, DM, SDM, तहसीलदार और पटवारी है, और SP 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कॉमन पुलिस सिस्टम के अंदर, और कमिश्नरेट 2 के अंदर है। कॉमन पुलिस सिस्टम 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, अपना कमिश्नरेट है। डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक वर्क इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजन एरियाज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कलेक्टर होता है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके रेवेन्यू कलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऑल्सो नोन एज मिनी गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन देखेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के अंदर अपन देखेंगे रेवेन्यू यूनिट, रेवेन्यू यूनिट के अंदर अपन देखेंगे राजस्थान स्टेट लेवल पे, फिर डिविजनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर सब डिविजन लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर सब तहसील लेवल पे, और फिर RI सर्किल लेवल पे, और फिर पटवारी सर्किल, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपने होता है रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड जो कि अजमेर के अंदर है, और इसके चेयरमैन होता है सेक्रेटरी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट होता है एक तरह से फॉर रेवेन्यू मैटर्स के अंदर, रेवेन्यू मैटर्स के अंदर, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना
फिर आता है डिवीजनल लेवल। डिवीजनल लेवल पे अपने डिवीजनल कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और सब डिवीजन लेवल पे अपना SD होता है, सब डिवीजनल ऑफिसर। फिर तहसील के अंदर तहसीलदार होता है, और फिर सब तहसील के अंदर नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। और RI भी अपना रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, और फिर पटवारी भी पटवारी होता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसको गिरदावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपन गिरदावर भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे कौन होता है? ADM, और उसके नीचे होता है SDO या फिर SDM। फिर उसके नीचे होता है अपना तहसीलदार, फिर उसके नीचे होता है नायब तहसीलदार, फिर उसके नीचे होता है RI, फिर उसके नीचे होता है पटवारी, ठीक है। ये तो हो गया अपना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर DM के नीचे और होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, DLO, फिर आता है अपने DEO, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, फिर आता है अपने DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, फिर आता है CMHO, फिर आता है अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, फिर आता है अपने SP आता है। और अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे होते हैं जैसे कि SP, जो कि एक IPS ऑफिसर होता है, फिर उसके नीचे होता है ASP, उसके नीचे होता है DYSP, ठीक है। उसके नीचे होता है CI, जो कि SI से प्रमोट ही होता है, उसके नीचे SI होता है, उसके नीचे हेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, और फिर उसके नीचे होता है हेड कॉन्स्टेबल, और उसके नीचे होता है कॉन्स्टेबल। फिर आता है इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट देर इज ओनली वन ADM। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओनली वन ADM होगा, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के नीचे, बिलो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जैसे कि डिविजनल हेडक्वार्टर है, डिविजनल हेडक्वार्टर देर आर मैनी, डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर मैनी होते हैं, जैसे कि जयपुर के अंदर नो ADM बैठते हैं, और ऑल ADM के, सभी ADM के पास में डिफरेंट चार्जेज होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू से हुआ, इलेक्ट्रीफिकेशन से हुआ, इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है अपने, इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है? थ्री टीयर सिस्टम होता है, थ्री टीयर सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और 243 से 243O तक जो है उसके अंदर आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। फिर इसके ऊपर सबसे पहले होता है CEO एट जिला परिषद, CEO और ACEO, ये होते हैं अपने कौन से, जिला परिषद के अंदर। फिर उनके नीचे होता है अपना कौन सा, BDO, उनके नीचे BDO होता है, उनके लिए उनके नीचे होता है एडिशनल DO, ठीक है। उनके नीचे होता है असिस्टेंट DO, फिर उनके नीचे होता है अपने एडिशनल DO, फिर असिस्टेंट DO, फिर होता है VDO, जिसकी एग्जाम लगी थी गुड भाई साहब की, वो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आइडेंटिफिकेशन एंड बेनिफिशरी अंडर द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स, इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करता है, और बेनिफिशरी जो भी हैं अंडर द सेंट्रल और स्टेट और सेंट्रल स्कीम्स के अंडर में। अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास में ऑलमोस्ट कम से कम 48 से 50 डिपार्टमेंट होते हैं उसके नीचे, और ही इज अ चेयरमैन ऑफ 60 कमेटियों का चेयरमैन होता है। अपने सिलेबस के अंदर एक तो डिविजनल कमिश्नर दे रखा है, DM दे रखा है, SDM दे रखा है, तहसीलदार दे रखा है, पटवारी दे रखा है, और SP 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि कॉमन पुलिस सिस्टम है और फिर कमिश्नर सिस्टम है दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? इसकी डेफिनेशन ये है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक वर्क इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और एरिया के अंदर, उसे कहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है अपना कलेक्टर, कलेक्टर होता है। अब फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इसके अंदर आता है रेवेन्यू कलेक्शन होता है इसका, और मेंटेनेंस होता है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस होता है। ऑल्सो नॉन एज मिनी गवर्नमेंट, जिसको मिनी गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है इनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है अपना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। डिवाइडेड होता है मैनी यूनिट्स के अंदर, जो कि डिवाइडेड होता है बहुत सारे यूनिट्स में, जैसे कि रेवेन्यू हुआ, पुलिस हुआ, हेल्थ हुआ,
एजुकेशन वाइन के अंदर डिवाइडेड होता है, अराउंड 48 से 50 डिपार्टमेंट होते हैं इसके बाद इसके नीचे, ठीक है। अब हर डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स यूनिक सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद की सोशल कल्चरल आइडेंटिटी है जो कि इम्पैक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। जनरली एवरी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर एमपी के लिए, और इट एक्ट लाइक ए मिडल चैन बिटवीन विलेज एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मिडल चैन होती है, ठीक है। अब रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होंगे, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन, GST, एग्रीकल्चर टैक्स, लगान और इरिगेशन टैक्स। मेंटेनेंस करेगा लॉ एंड ऑर्डर का CRPC, CRPC सेक्शन 144 151 के, 144 के अंदर कर्फ्यू है, 151 के अंदर बेल एंड बेल इन पब्लिक नोसेंस मैटर्स के अंदर बेल, ठीक है। टू कंडक्ट करेगा इलेक्शंस MP, MLA, PRI, ULBs और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और प्रोटोकॉल रिलेटेड वर्क होता है जैसे कि रिसीव जो कि डिग्नेटरीज होंगे उनको, और कैबिनेट मिनिस्टर, CM, PM और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और चेयरमैन को। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि रिहेबिलिटेशन, मेडिकल रिलीफ, कंपनसेशन, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर डिवीजन मैनेजमेंट एक्ट जो कि DM कम चेयरमैन होता है इसका। स्टेटिक्स रिलेटेड टू द वर्क कॉन्सेप्ट, बर्थ, डेथ और मैरिज, इनकम एक्सेट्रा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है और सैलरी सर्टिफिकेट होता है जैसे कि TDR हुआ। इसके अंदर क्या करता है, प्रोवाइड करता है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ये इंश्योर करता है फूड और सिविल सप्लाई, फेयर प्राइस शॉप्स होता है, वेरियस सर्विसेज होता है जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट हैज़ यूनिक सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी होती है और वो इम्पैक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। जनरली अगर अपन देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एवरी डिस्ट्रिक्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है वन कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर एमपी के लिए, ठीक है। और ये एक्ट करता है, एक्ट लाइक ए मिडल चेन बिटवीन विलेज एंड स्टेट गवर्नमेंट, विलेज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब रोल और फंक्शंस क्या है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल और फंक्शंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन जैसे कि GST हुआ, एग्रीकल्चर टैक्स हुआ, फिर लगान हुआ और इरिगेशन टैक्स हुआ, इन सबको कलेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या करता है, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है जैसे कि CRPC 144 लगा के जिसके अंदर आता है अपने कर्फ्यू, और CRPC 151 जिसके अंदर आता है अपने बेल इन पब्लिक नोशंस मैटर के अंदर, और फिर प्रोटोकॉल ऑफिसर, प्रोटोकॉल रिलेटेड वर्क होता है जैसे कि इसके अंदर रिसीव करता है डिग्निटरीज को और एग्जांपल जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, CM हुआ, PM हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चेयरमैन, ठीक है। और फिर चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट का जैसे कि रिहेबिलिटेशन करता है, मेडिक रिलीफ दिलाता है और कंपनसेशन दिलाता है जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, और डिजास्टर DDMA के अंदर अपना DM चेयरमैन होता है DDMA का। और पाँचों के अंदर स्टेटिक्स रिलेटेड वर्क जैसे कि ये स्टेटिक्स रिलेटेड वर्क जिसके अंदर अपन देखेंगे बर्थ, डेथ, मैरिज और इनकम एटसेट्रा, और इसके अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है और इसके अंदर स्लेवरी सर्टिफिकेट होता है और सोलवेंसी सर्टिफिकेट होता है बाय TDR के द्वारा, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ को, ये प्रोवाइड करता है क्या, मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज़ को ये प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है फूड को और सिविल सप्लाई को और फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं। ये वेरियस सर्विसेज को डिपेंड करता है और एजुकेशनल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट इनके अंदर सर्विसेज के अंदर भी देता है हाथ।